हमारे साथ आज खास शख्सियत जुड़ रहे हैं, हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी जुड़ रहे हैं। माता का आगमन इस बार हो रहा है हाथी में, गज में, और इसका फल जाना जाता है कि किसका फल किस प्रकार से है। यदि फल की बात करें तो बड़ा ही शुभ फल है। इसमें सबसे पहला सुख समृद्धि और वर्षा। वर्षा जब तक न हो तो हमारे अन्न अनाज अच्छे होंगे और उसके बाद फिर देश में समृद्धि आती है, किंतु भय है कहीं कहीं पर अतिवृष्टि के कारण परेशानी होने की। किंतु फिर भी कहेंगे कि माता का आगमन हाथी पे होकर अपने भक्तों को निहाल करेंगी माँ सभी सुख समृद्धि के साथ में। हम यदि देश में रहते हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमेशा एक उमंग है मन में, एक विश्वास है। नवरात्र में हम आवाहन करते हैं माँ को, और जब आवाहन करते हैं तो माँ के साथ आवाहन में हमारा ये तकनीकी ढंग से जो किया जाता है कि जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ सारी यहाँ से इस 9 दिन के लिए वो कृपया अपना स्थान छोड़ दें, और बाकी माता के साथ जितने भी इनके आसपास की जितनी शक्तियां हैं जिस रूप में, हम सबों को, सब परिवार माँ को आवाहन करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि सामने जो वरुण देव का जो कलश होता है उस कलश में माँ का वास होगा है। तो ये आवाहन की हमारे मंत्र में इतनी शक्ति है, और ये मानते हैं कि पूरे माँ पूरे परिवार के साथ विराजमान हुई है। जब माँ का आगमन हमारे यहाँ, हम हमारे घर पे अगर कोई अतिथि आ जाए तो किस प्रकार से हम आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, कैसा आओ भगत करते हैं कि किस तरीके से हम उस अतिथि का स्वागत करें। जब माँ स्वयं आ रही है पूरे परिवार, तो उस उमंग का कहना क्या, फिर कोई शब्द नहीं रह जाते हैं कि वो उमंग कैसा होगा और कैसे मन में इतराएंगे। और एक नहीं, ये 9 दिन माँ रहेंगी, 10वें दिन हम उनको विदाई देते हैं, तो यह 9-10 दिन कहना ही नहीं है। और जब नवरात्र की बात जैसे अगर कहें तो यहाँ श्री राम भी हैं, माता भवानी भी हैं और सब परिवार हैं, तो सभी का आगमन है, ये उमंग बड़ी कसके होता है। दूसरा है, हम सांसारिक होने के नाते कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वार्थी होता है। स्वार्थ शब्द के माँ हमें क्या देंगे किस प्रकार से, तो माता ही एक ऐसे रूप है, माँ दुर्गा ही एक ऐसे रूप है कि मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली माता दुर्गा ही है। 3 प्रकार के गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण की अधिष्ठात्री देवी हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी और महाकाली। यानी तीनों की अधिष्ठात्री देवी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्रमशः महा सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। जब हम इनको साध लेते हैं तो यानी इज इक्वल टू दुर्गा। माता दुर्गा एक कोई मात्र देवी मानकर नहीं कह सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में चर्चा है, आप सभी जानते हैं दर्शक हमारे, कि एक प्रादुर्भाव हुआ एक शक्ति का, और ब्रह्मांड में जितने सारे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं, सभी अपने अपने अस्त्र शस्त्र अपनी शक्तियों से उन्हें विभूषित किया और तब माँ का प्रादुर्भाव हुआ, यानी महाशक्तिशाली, सर्वशक्ति शक्तिवानी। यह भी कहने में कोई संकोच नहीं थी, माता दुर्गा को यदि हम पूज लेते हैं तो ये माना जा सकता है कि सारी शक्तियों का हमने आवाहन कर लिया। माता तो माँ रूप में है, मातृ रूप ही है और शक्ति स्वरूपिणी है, यानी माँ आपको भक्ति शक्ति से विभूषित करती है। हमारे अंदर यदि अविरल भक्ति आ जाए, शक्ति आ जाए, तो इसके बाद कुछ बच नहीं जाता है, बाकी चीजें तो फिर सामान्य है। तो 84 लाख योनि के बाद मनुष्य तन पाना, यहाँ भक्ति शक्ति की प्राप्ति होनी, माँ के अनुकंपा मिल जाए, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष मिल जाए, तो इसके बाद कुछ बच भी नहीं जाता है। इसके बाद हमें अच्छे कर्म करके मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पे चलना, और सांसारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हमारे अच्छा समाज हो, हम एक अच्छे नागरिक बने, हम आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश दें और भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान कराना हमारा यही लक्ष्य है, और माता रानी अवश्य पूर्ण करेंगी। आने वाले वर्षों में, कुछ वर्षों में देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से भारत मोड़ लिया है, पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है, ऐसे में पूरे भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि हम भारत माता के प्रति किस प्रकार से समर्पण भाव करके माता शक्ति को, माता दुर्गा को
अपने हृदय स्थल पे विराजमान करा के उनसे शक्ति ले और अपने पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए शक्ति अर्जित करें और भारत को पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान करें। पूजन विधि तो आजकल पत्र पत्रिकाओं में, टीवी में, फिर पूजन की जो पुस्तक है, इन सारे चीजों में मिल ही जाता है। मैं उससे थोड़ा हटके इसलिए बताना चाहूँ कि मैं किसी भी चैनल पे या किसी मंच पे, अभी भी जिस मंच पर मैं बैठा हूँ, यहाँ भी प्रवचन थे हमारे, उसके बाद मैं भक्तों से जुड़ा हूँ भी, तो लोग ये सुनना चाहते हैं थोड़ी भिन्नता से, तो मैं उसी को मैं यहाँ कहना चाहूंगा। माता के प्रति भक्ति पुस्तकों में मिल जाएगा, पूजन विधि किस उंगली का प्रयोग करें, किस रंग का प्रयोग करें, कौन से पुष्प देने हैं, किस वार है, दिशा क्या है, आसन क्या होंगे, माला क्या होंगे, मंत्र क्या होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अंकिता, हमारे पूजा है, आसन क्या होंगे, माला क्या होंगे, मंत्र क्या होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अंकिता, हमारे निशुद्ध दर्शकों से, माता को क्या चाहिए? माँ तो माँ है, माँ कहती, माँ कभी को माता नहीं होती, पुत्र को पुत्र हो सकता है, तो हमें माता से क्या चाहिए सिवाय, माता हमारी हृदय देखना चाहती है। कोई कहता है शरीर समर्पण किया, कहीं ना कहीं वो भी बेईमानी की बात है, ये शरीर पर भी हमारा अपना अधिकार नहीं है, हो सकता है कि कल का सूरज हम न देख पाए, किंतु एक चीज ही हमारा है, वह हमारा हृदय, हृदय कमल के माँ के चरणों में समर्पित करें, स्वयं को समर्पित कर दे। देखिए माता हमारी संपूर्ण बागडोर माँ संभाल लेती है, और माँ को पुकारने के लिए कम से कम यह 9 दिन एक रिफ्रेशर कोर्स मानकर, आंखें बंद करके माता को विराजमान कर अपने हृदय स्थल पे, इस विश्वास के साथ कि माँ हमारे हृदय स्थल पे हैं, इस विश्वास के साथ कोई शब्द, कोई रंग, कोई पूजा, कोई वार, कोई विधि से परे है मौन रहना। तो मौन रहें, यथासंभव मौन रहें, अनर्गल वार्तालाप न करें। सांसारिक लोग हैं जो अति आवश्यक को अवश्य करें, कम खाएं, कम बोले, कम सोए, या निद्रा भी कम होनी चाहिए, जागरण करें, कम बोले, और ज्यादा से ज्यादा कोई एक मंत्र ले ले, कोई मंत्र। तो इसमें मैं बेस्ट बोलूंगा, जो सबसे अच्छा, जो दी बेस्ट है, उत्तम है, माँ का नवान मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को यदि आपने साध लिया, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नवरात्र में यदि विधि पूर्वक आपने इस मंत्र को साध लिया, तो ये मंत्र सिद्ध हो गए। जब मंत्र सिद्ध हो गए तो पूरे जीवन की सिद्धि मिल गई। अब उसे हमें फॉलोअप करते रहना, दैनिक पूजा में एक माला भी कर ले, और मन ही मन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मन ही मन करते रहें। चलते हैं तो अपने पद के साथ में, कदम के साथ में एक रिदम बनाकर करें और इस बात को करें। इसके बाद सांसारिक लोग हैं, जो भी जिस दिन आपको माँ को नैवेद्य चढ़ाना हो, दूध, घी, मधु, ये सारी चीज माँ को दर्पण दे, केस की डोरी दे, तेल दे, श्रृंगार करे। और सबसे बड़ी बात, मैं एक मुख्य बात बताना चाहूँ, हमारे पुराणों में मानस पूजा की चर्चा है कि जैसे कहीं भी किसी भी स्थान पर जहाँ सुलभ हो, कोई बाहरी बाधा न हो, वैसी जगह पर आप अपने आप को विराजमान करें, बैठे, आपके सामने माता की फोटो हो ना हो, क्योंकि हमने हृदय पे माता को धारण किया है और ये विश्वास है कि माँ यहाँ विराजमान है। तो जब महामरण किया है और ये विश्वास है कि माँ यहाँ विराजमान है, तो जब माँ विराजमान है, तो बाहर किसी फोटो मूर्ति की बात ही नहीं रह जाती है, फिर वो कौन हो गए। आंखें बंद करके बैठेंगे और मुस्कुराते हुए माँ का ध्यान करें। पूजा में जो भी सिक्वेंस होते हैं, जैसे सबसे पहले माता को आगमन बुलाना, फिर माँ को विराजमान कराना सिंहासन पे, उनका चरण प्रक्षारण करना, उनके चरण को अपने आंचल से माताएं पोछे, माँ को भोग लगाएं, क्यों ना माँ को अपने हाथ से भोग लगाएं, कितना वो दृश्य कैसा होगा, मन का भाव किस, मन स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा। तो वो सारी चीजों को कल्पना में उसको पिक्चराइज करें कि हमने माता को बुलाया, माँ दिव्य सिंहासन पर विराजमान है, अब माता का हम चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, अपने ही वस्त्र से हम माँ के पांव को भी पोछ रहे हैं। बारी आती है माँ को भोग लगाने की। ये लड्डू, पेड़े, केले तो बड़ी छोटी सी बात है, जब माता को भोग लगाते हैं तो दिव्य खीर का निर्माण करते हैं। दिव्य खीर के लिए हमें चाहिए दूध, शक्कर, चावल। हम तो
पारिजात का फूल लाने को तैयार है, क्योंकि मन की बात है, मन का वेग है कि आंखें बंद करके एक सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम स्वर्ग चले जाएं, पारिजात का फूल ले आए, वहां से नंदिनी गाय का दूध लाए, दिव्य चावल। सबसे पहले ये बताना चाहूँ, उपवास, उपवास का अर्थ तो है निराहार रहना। तो जो थ्योरी है उपवास में कुछ भी ग्रहण न करें, ये बातें हैं शब्द के हिसाब से, किंतु देश काल जलवायु परिस्थिति के हिसाब से सिद्धांत बदलते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो अपनी दिनचर्या उनका सामान्य रहता है बाकी दिनों की तरह, वो अपने कार्यालय भी जाते हैं, व्यवसाय भी संभालते हैं, माताएं बहनें अपनी रसोई में भी काम कर रहे हैं या अन्य कार्य भी कर रहे हैं, फिर भी पूजा करना, यदि शरीर अनुमति देता है तो उपवास रखें, यदि संपूर्ण उपवास नहीं रख सकते हैं तो सारा दिन उपवास रखकर एक समय भोजन ले लें, शुद्ध भोजन कम कम लेंगे। पहले बोला आहार कम ग्रहण करना, कम सोना, कम बोलना, अल्पभाषी, अल्पभोजी और अल्प शयन, ये तीन बात को अवश्य ख्याल रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा मन और शरीर से माता का सानिध्य के साथ रहना ही मुख्य रूप से माता का सानिध्य मिलता है। यदि वह भी संभव नहीं होता है तो दूसरा तरीका है कि फलहार कर लेते हैं, फल लेते हैं, ऋतु फल जो हो, मेवे ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेने वाले मात्र जल में भी कर लेते हैं, और जिसकी जैसी सुविधा, जैसा शरीर अनुमति दे, आपकी दिनचर्या क्या है, शरीर की क्षमता क्या है, यह है सेकेंडरी, इस पर आधारित नहीं है कि हम बहुत भूखे रहकर अपने आप को बहुत ज्यादा ही कष्ट दे दे तो ही माँ प्रसन्न होंगी, ऐसी धारणा बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से माँ को रिझाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं स्वयं को कष्ट देना, लेकिन मैं कष्ट से ज्यादा बोलूंगा हमारा समर्पण भाव, कितनी आनंद के साथ। देखिए कष्ट करेंगे तो हमारा ध्यान कष्ट की तरफ भटकेगा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान माँ के चरणों पे ही हमारा हो, माता मैं हो, ये 9 दिन कम से कम इस पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसी चीज को दृष्टिकोण पे रखते हुए अपने उपवास को आपको संकल्प लेना चाहिए, वही करनी चाहिए। यदि हम 9 दुर्गा की बात करते हैं तो देखिए दुर्गा सप्तशती में 9 दुर्गा की चर्चा है, फिर 32 नाम की माला है, 108 नाम की माला है, इस पर तो 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। इसीलिए मैं ये कहूँ कि माँ शब्द अगर बोलते हैं तो जितने भी स्वरूप की बात करते हैं, चूंकि अभी मैंने जो संदेश देना चाहा भक्तों को कि किस प्रकार से वो क्या करें और किस प्रकार से माता को ध्यान, तो उसके लिए मुख्य रूप से कि माँ का रूप का ध्यान करना, जो रूप आपको अच्छा लगता है उस रूप को मन में ध्यान पे रख के माँ को विराजमान करा ले और बस माता में की बात करें, क्योंकि वो विषय बिल्कुल विषयांतर होगा जब हम सामान्य बात करेंगे माँ के स्वरूप का, पाठ का, अलग मंत्रों का, खान पान का, पूजन विधि की। मैंने यही बोला कि वैसे लोग जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिन्हें पढ़ना नहीं आता है, जिन्हें संस्कृत का उच्चारण नहीं है, या जो सक्षम नहीं है पूजा करने को, क्या उन्हें अधिकार नहीं है? क्योंकि वैसा प्रश्न आते हैं, महाराज जी मुझे भी तो माँ की अनुकंपा चाहिए, मैं तो रोगी हूँ, मैं तो स्नान भी नहीं कर सकता हूँ। कुछ माताएं जो पढ़ नहीं सकती, उन्हें संस्कृत नहीं है, डर है कि मंत्र मैं करूंगा तो गलत हो जाएगा। देखिए तोतलाकर बोलना भी, जब बच्चा बोलता है तो माँ को बहुत आनंद आता है कि मम्मी विद्युत दो, बिस्कुट दो को अगर तोतला के बोल रहा है तो माँ तुरंत गले लगा लेती है अपने बालक को। उसी प्रकार से यदि अज्ञानवश आपकी भूल होती है किंतु मन समर्पण भाव है तो बहुत ही उत्तम है। हाँ, जानकर धृष्टता तो कोई करेगा नहीं माँ के सामने, यानी माँ के समर्पण भाव मुख्य चीज को यही मैं आज के संदेश देना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से माँ से आप जुड़े, जहाँ ना कोई रंग है, ना कोई विधि है, ना कोई उंगली है, ना कोई पुष्प है, ना कोई भोग है, ना कोई शब्द है, उनसे परे होकर, मौन होकर, शांत होकर, आंखें बंद करके दर्शन करना। बड़ी छोटी सी बात है, एक बालक भी जब मंदिर जाता है तो बोला रुको दर्शन करके आ रहा हूँ, और जैसे ही माता के समक्ष मंदिर में जाता है वो हाथ जोड़ता है, कोई भी, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, बालक की नहीं, बालक इसलिए बोला कि बालक को किसी ने सिखलाया नहीं, और जैसे ही माता के सामने वो प्रस्तुत होता है तो स्वतः आंखें बंद हो जाती हैं। इसके पीछे कोई ध्यान दिया क्या कि हम जब मंदिर जाते हैं कहते हैं दर्शन करने जा रहे हैं, अपने नेत्रों से माँ का दर्शन करेंगे, तो दर्शन कहाँ, जाते ही तो आपने आंख बंद कर ली, और महसूस भी होता है कि माँ से मेरी मुलाकात हुई, तो माँ से संबंध
एक माता और पुत्र का ऐसा संबंध बनाना जिसके लिए समर्पण भाव, जहाँ किसी प्रकार का द्वेष क्लेश कुछ भी नहीं है। तो मैं उन भक्तों को लेना चाहा अंकिता कि मैं ज्यादा विधि विधान पे ना आया, उस पे तो कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, इसीलिए मैं चाहा कि सामान्य लोगों के लिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं उन्हें भी उतनी ही भक्ति मिले और माँ की अनुकंपा उन्हें भी उतनी मात्रा में मिले और वो भी उतने भी वो अपने आप में लगे कि हाँ मुझे माता का अनुकंपा मिला, उनका आशीर्वाद मिला, मैं भी धन्य हो गया। अब मैं थोड़ी बात करूंगा जो तकनीकी साधक है, सामान्य लोगों के लिए नहीं, क्योंकि यह प्रश्न बड़ी अच्छी बात है। 9 दिन जिस दिन माँ को आवाहन किया वहीं से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप प्रतिपदा हो, द्वितीया हो, तृतीया हो, पंचमी से लेकर 10वीं तक। तो 10वीं की तो बात ही कुछ और मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो मन फिर नियंत्रण में रह नहीं जाता माँ की जब विदाई की बात करते हैं। तो ऐसा है कि सप्तमी, अष्टमी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी, वो विशेष उसकी प्रमुखता इसलिए है कि हम साधना की बात करते हैं और कुंडलनी जागरण की बात करते हैं। प्रथम दिवस में व्यक्ति का मूलाधार चक्र में होता है, द्वितीय दिवस में स्वाधिष्ठान चक्र पे होता है, तृतीय जो आज का दिन है वो मणिपूरक चक्र पे होता है। यहाँ तक अधोगति है, मनुष्य की चेतना अधोगति उल्टा होता है और इसके बाद से ऊर्ध्वगति पे आते हैं, जहाँ चेतना ऊर्ध्वगति पे फिर गमन करता है उसकी यात्रा पे आते हैं। तो उसके लिए फिर चक्रों की बात करते हैं, तो फिर जैसे फिर स्वाधिष्ठान चक्र से आते हैं, अनाहत चक्र पे विशुद्धि पे आते हैं, अनाहत में है, विशुद्धि में है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, तो फिर इन 3 दिन की जो यात्रा रह जाती है यह उच्चतम अवस्था है। यहाँ से व्यक्ति अगर साधना यदि कुंडली जागरण के माध्यम से किया हो या नवदुर्गा के माध्यम से किया हो तो यहाँ से सिद्धि मिलनी प्राप्त हो जाती है और ये कह सकते हो साधक के उसके बदन से एक सुगंध, दिव्य सुगंध आता है, उसके चेहरे में एक अलौकिक दिव्यता आती है, उससे मिलकर बात करने की इच्छा होगी, उसके अंदर में एक अजीब सा अट्रैक्शन आता है, ये उनके साधना का फल है। और वो 3 दिन चरम पर होता है, नवम सिद्धिदात्री, प्रथम शैलपुत्री, चतुर्थ ब्रह्मचारी, तृतीय चंद्र घंटा, इसी प्रकार से नवम सिद्धिदात्री। और 9 दिन की साधना करने के बाद जब 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री आती है, यानी तुम्हारे 9 दिन का आज पुरस्कार मिलना है नवमी के दिन। और महानवमी के दिन व्यक्ति का माइंड स्टेट जहाँ रहता है साधक का, वो सहस्त्रार चक्र में पहुंचकर एक प्रकार से समाधिस्थ हो जाता है। और जो संसारिक लोग हैं, चक्रों की बात न करें तो भक्ति में और उमंग में वो समाधिस्थ हो जाता है और फिर वहां से वो उस मस्ती में, आध्यात्मिक मस्ती और माँ के उस आध्यात्मिक मस्ती में उसके नशे में इतना चूर हो जाता है कि फिर वो पराकाष्ठा है और जिसके आनंद का वो पराकाष्ठा हो जाता है। इन 9 देवियों को स्वरूप हमारे यहाँ पूजा का विधान है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है ना, तो ये 9 देवियों की स्वरूप लेते हैं। और हमारी सनातन धर्म, हिंदू धर्म की यही विशालता है जो अन्य किसी धर्मों में नहीं है। हम पेड़ पौधे, सांप बिच्छू को भी पूजते हैं। कुमारी कन्या माता स्वरूपिणी है, 2 वर्ष से 11 वर्ष की आयु की कन्या हो और सभी वर्ण की हो यह भी ख्याल रहे, और उनको लेकर उनको पाद प्रक्षालन करना, पैर धोकर लाना, पूजन करना, ऐसी मन में भाव रखना कि बिल्कुल साक्षात माँ मेरे यहाँ आई है, उस भाव से करेंगे और जो भक्त करते उन्हें महसूस होता है कि हाँ हमने माता का पूजा किया, माँ हमारे घर पे आई, ये एक भावना है। और माता को हम बिल्कुल अपनी साक्षात मानकर 9 कन्या को लेते हैं। जब माँ आई है तो भोग तो देंगे, माँ को कैसे विदा कर दूं, ऐसे ही इसलिए उन्हें जिमाने का मुख्य विधान है। ये मन में विश्वास होता है कि माँ का सानिध्य मिला, माँ मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण, भोग ग्रहण की, वो प्रसाद दे के गई और हमें आशीर्वाद मिला। इसे बताया कि 9 दुर्गा की मंत्र लेते हैं, तो 9 दुर्गा का तो एक एक मंत्र सभी में हो गया एक, लेकिन सबों का निचोड़ जब महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की बात करते हैं उनका मंत्र अलग हो जाता है। माता दुर्गा के सैकड़ों मंत्र हैं। अब दुर्गा सप्तसती कहते हैं, सप्तसती, सप्त यानी 7 और सती माने 100, तो 700 श्लोकों का वहाँ पर वर्णन है, तो इसको तो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, तो फिर पचड़े में न पड़ जाए हमारे भक्त। इसीलिए फिर वही आऊंगा कि एक साधे सब सधे,
और ये नवान मंत्र सबों का सार है। यदि ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, यदि इस मंत्र को आपने साध लिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों को आपने साध लिया। मैं ये कम शब्दों में, चूंकि यहाँ तो समय की एक मर्यादा है, हम ज्यादा समय पे हम और आप जान नहीं सकते। इसलिए मैंने एक मूल मंत्र ही भक्तों को देना चाहूँ, जो भक्त जानते भी हैं, तो ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र को लेकर साध लें, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ जी।